अलैकुम जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ ओरियो नट्स आइसक्रीम केक। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने कंटेनर वो लिया है आइसक्रीम केक बनाने के लिए। जो मेरा केक का मोल्ड है उसके मैंने कवर कर लिया है क्लीन से, नीचे बिछा के, और साइडों में आपने इतना इतना छोड़ना है कि आप इसमें जब बीच में डाल देंगी सही तरीके से, अब ये बंद कर दीजिएगा इसको प्रेस करके, जब इसमें बीच में डाल देंगी तो ये साइडों में से आप ज़रूर छोड़िएगा, बाद में इसको हम ऊपर फोल्ड कर देंगे। ये हो गया आइसक्रीम, मैंने ली है 1 लीटर वनीला की आइसक्रीम हो गई, और 176 ग्राम का जो कुकीज़ का पैकेट आता है ये वो है। इसमें से मैंने गार्निश के लिए भी निकाल ली है, ये 5-6 बिस्कुट कुकीज़ जो है मैंने उसमें निकाल ली है गार्निश के लिए। बाकियों को मोटा मोटा, ये देखें इस तरह, कुछ बारीक है कुछ मोटा है, इस तरीके से आपने इसको ग्राइंडर में डाल के हल्का सा ग्राइंड कर लीजिएगा, चॉप कर लीजिएगा, ताकि कुछ कहीं पे वो चंक्स इसके आए कुकीज़ के और कहीं बिल्कुल वो बारीक हो। इसी तरीके से मैंने मूँगफलियाँ ली हैं, पीनट्स हैं, पीनट्स को भी ग्राइंडर में डाल के हल्का सा एक दो चक्कर दीजिएगा, कुछ तो इसमें ग्राइंड हो जाएंगी और कुछ आपको मोटी मोटी चंकी वो आएंगे कुकीज़ में, ये आइसक्रीम में ये आए पीनट्स। और जी हमारे पास चॉकलेट चिप्स हैं, ये मैंने लिए 150 ग्राम, और आलमंड्स हैं 30 आलमंड्स लिए हैं जिसको भी मैंने भिगो दिया था, उसके छिलका उतारने के बाद उसको बीच में से आधा किया, आधा करने के बाद इस तरीके से लंबा लंबा काट लें। और ये हो गया, ये तो आइसक्रीम की चीज़ें हो गई हैं। अब ये मैं इसकी आइसिंग बताती हूँ आपको। जब ये गार्निश करनी है हमने, चॉकलेट सिरप चाहिए हमें, 1 टेबल स्पून बटर है इसके अंदर, 4 टेबल स्पून इसमें ब्राउन शुगर है, गुड़ ले लें आप या ब्राउन शुगर ले लें, और इसमें मेरे ख्याल से 2-3 चम्मच मैंने गार्निश के लिए इसमें चॉकलेट चिप्स लिए हैं, और पीनट्स हैं 3-4 चम्मच इसमें पीनट्स हैं गार्निश के लिए, आलमंड्स हैं 10-12 आलमंड्स हैं, और जिनको इसी तरीके से काट के 5-6 तो उसको मैंने बारीक बारीक काट दिया है। तो ये सारी चीज़ें गार्निश की हो गई हैं इसकी, लेकिन ये हम जब करेंगे जब हमारा केक सही तरीके से जम जाएगा तो उसके बाद मैं ये इसके ऊपर डालूंगी, लेकिन ये बना के हम पहले रख लेंगे, बाद में ठंडा करने के बाद इसकी आइसिंग उस केक पे डालेंगे। तो मैं ये केक बनाना शुरू करती हूँ। आइसक्रीम जो है हमारी वनीला की आइसक्रीम, ये हम इसमें डाल रहे हैं, बाउल में डालें। मेरे पास सारी चीज़ें ग्राइंड हैं तो मुझे इस तरह से किसी ग्राइंडर में या चॉपर में करने की वो नहीं रही, ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें ग्राइंड नहीं हैं तो आप ये सारी चीज़ें एक ग्राइंडर में मिला के और उसको ग्राइंड कर लीजिएगा। 1 लीटर आइसक्रीम चली गई है, कुकीज़ चले गए हमारे, पीनट्स चली जाएंगी इसमें, और जी ये चले गए चॉकलेट चिप्स, आलमंड्स, बादाम। डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। बस ये मिक्सिंग अच्छी करनी है आपने, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं आपस में। बस हमें बिस्किट्स का ये ज़्यादा, नट्स तो ज़ाहिर है वो मोटे मोटे हैं वो तो हो ही जाएंगे, लेकिन ये जो कुकीज़ हैं ये अच्छी तरीके से सारे में मिक्स हो जाए। देखिए जी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको इस बाउल के अंदर मैं इसको निकालती हूँ। इस पर अच्छी तरीके से आप 3 दबा दीजिएगा सारी तरफ से, ताकि आराम से एक बाहर ना निकले, इसी में इसको फोल्ड कर देंगे। सारी ऐसे डाल लेते हैं। अब हमने आइसक्रीम इसके अंदर डाल दी है सही तरह। अब मैं ऊपर से कुकीज़ जो हमने बाकी रखे हुए थे वो डाल देते हैं।
क्योंकि मैंने इसकी बाद में आइसिंग भी बनानी है, वो फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये करने के बाद मैं इसको ऊपर से ऐसे कवर कर देती हूँ, उसे 4 से 5 घंटे मैक्सिमम, ओवरनाइट करें तो बहुत अच्छा है, जब तक आपकी आइसक्रीम इसमें जम ना जाए। मैं इसको रख रही हूँ फ्रीज़र में, तो उसके बाद जब ये जमती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक मैंने आइसक्रीम डीप फ्रीज़र में रख दी है ठंडी होने के लिए, तो मैं इसकी आइसिंग जो बनानी है सॉस वो बनाते हैं। 1 टेबल स्पून आपने बटर ले लेना है, उसके अंदर मैं ब्राउन शुगर डाल रही हूँ, शुगर को इसके अंदर मिक्स करते हैं, ब्राउन करते हैं, जरा सी ब्राउन करते हैं, क्या वो कैरेमल की तरह ना। जब ये मेल्ट हो जाएगी तो फिर इसका बाकी काम करते हैं। ये मैं 1 टेबल स्पून इसमें और डाल रही हूँ ब्राउन शुगर का ना, इसके अंदर आलमंड्स चले जाएंगे, सॉरी पीनट चली गई, अब आलमंड जा रहे हैं। दूध में आपको दिखाना भूल गई थी, इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, मतलब ये 1/2 गिलास से भी कम दूध है इसमें, तो ये हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पाँच छः टेबल स्पून आप इसमें डालिएगा मिल्क, ताकि आपकी ये अच्छी उसके बाद में ग्रेवी बन जाए, सॉस अच्छी बनेगी इसकी। डालने के बाद तो मेल्ट करते हैं इसी के अंदर। फ्लेम अब मैंने भी स्लो किया हुआ था, हाई कर दिया। देखिए सारा जो भी हमारा इसमें शुगर ब्राउन शुगर थी वो मेल्ट हो गई है। अब मैं इसका फ्लेम जो है वो ऑफ कर रही हूँ, और इसको किसी भी प्याली में आप निकाल लें, तो जब आपका केक जम जाएगा तो उसके बाद फिर इसको डिश आउट जब हम मतलब प्लेट में रखेंगे तो उसके टाइम इसको उसके ऊपर से डाल देंगे। तो इसका फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ। ये देखें ये बन गई है। अब मैंने इसको किसी बाउल में निकाल लिया, वो निकालने के बाद अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ, तो जब केक आपका हो जाएगा तो उसके ऊपर डालेंगे। मगर आपने ऐसा रखना है, मतलब ये देखें इतना पतला है कि ये जमेगी नहीं, तो ये बाद में हम केक के ऊपर फोल्ड कर देंगे। अब इसको फ्रिज में रख देंगे। जी देखें हो गई है आइसक्रीम हमारी। अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ, आराम से निकल आएगी इसमें से। इसी तरीके से हम इसमें सारी उतार लेते हैं। उतारने के बाद आप इसको अपने प्लेट पर डालो। ये जो हमने इसकी कैरेमल बनाई थी ब्राउन शुगर की वो डालते हैं इसके ऊपर। इसी तरह सारे पे डाल देते हैं। अब आप चाहें तो इसको दोबारा फ्रिज में रख दें, ताकि ये और ज़रा सा हार्ड, मतलब ये जो इसकी आइसिंग हमने डाली ऊपर
कैरेमल की, ये अगर चाहें तो जमा लें, मगर ये ऐसी अच्छी लगती है लिक्विड में। मैं आपको काट के भी दिखा दूँगी। ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। चॉकलेट सिरप भी ऊपर डाल दिया है और वो भी सारी डाल दी है। डिज़ाइन आप देख लें, कोई भी किसी तरीके से भी डाल दें और ये ज़रूर पसंद आएगी आपको। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। और थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।